हाँ तो बच्चों कैसे हैं सभी आप। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस इट 1.2। क्या दे रखा है देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में सर दे रखा है एक डायग्राम दिया आपको, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या। देखिए बच्चों यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल और बाइसेक्टर दे रखा है। ट्रायंगल पहले से दिया है, बाइसेक्टर दिया है। सर ट्रायंगल दिया है, बाइसेक्टर दिया है, यानी थ्योरम ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल ये लगाएंगे हम लोग। यस, ये आप यूज़ करने वाले हैं। पहले गिवन लिखते हैं, उसके बाद में के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन ट्रायंगल MNP, ट्रायंगल MNP में क्या दिया है, सेग NQ इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, डायरेक्ट एंगल N लिख, ठीक है, जो भी लिखा है वो लिखिए। ये वैल्यूज जो है वो डायरेक्ट डायग्राम में दिखाना होता है, डायरेक्ट डायग्राम में दिखा दीजिए। ऑलरेडी शो किया हुआ है डायग्राम में, तो आपको इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछा है वो लिखते हैं अभी। क्या पूछा है इन्होंने, QP का वैल्यू पूछा है, QP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्लियर। QP निकालना है, अब क्या करना है, ने गिवन लिखा, टू फाइंड लिख लिया, उसके बाद का स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो बच्चों बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है। सर एंगल बाइसेक्टर दिया है तो या एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम लगेगा, स्टेप क्या है उसका लिखने का, कैसे लिखते हैं आप, कॉन्सेप्ट वीडियो में सीखा है ना, पहले ट्रायंगल पकड़ते हैं, उसके बाद बाइसेक्टर दिखाते हैं, और उसका अगला स्टेप अपॉन अपॉन मिल जाता है, बस यही करना है। कोई वैल्यू एब्सेंट है, बिल्कुल नहीं, तो केवल फार्मूला लगाना है। यस, केवल फार्मूला लगाइए और सम खत्म। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपको, डायरेक्ट लिखिए इन ट्रायंगल MNP। आपको सोचना भी नहीं है, हर एक लाइन लिख के दी हुई है, सिंस सेग NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। आपने यहां पे बाइसेक्टर दिखा लिया, बाइसेक्टर शो करने के बाद आपको क्या करना है, कहां से आया वो लिखिए, ये है हमारा गिवन से आया, क्लियर। गिवन से आपको बाइसेक्टर मिल गया, एक बार बाइसेक्टर मिल गया तो आप अपॉन अपॉन लिख लीजिए। अपॉन में क्या लिखने वाले हैं, यहां देखिए कैसे बताया है, MN ऊपर वाला वैल्यू लेंगे तो यहां का भी पहले ऊपर का लिखना पड़ेगा, तो MN अपॉन NP इज इक्वल टू, यहां से M से स्टार्ट कीजिए, MQ अपॉन QP। आपने देखा यहाँ पे MN लिया है तो यहाँ पे MQ लिया है, जब एक साइड ये जो लाइन है ये लाइन इसको बाइसेक करती है, तो इस लाइन के ऊपर का और नीचे का वैल्यू लेना होता है अपना, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर्मूले का नाम लिखेंगे, फॉर्मूले का नाम तो आप देख ही रहे क्या है, वी नो दैट वी विल हैव टू यूज थ्योरम ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, क्यों, बिकॉज बाइसेक्टर दिया है, इसी से हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यू रखने के बाद खत्म, यानी ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें हम फार्मूला यूज करते हैं, और फार्मूले यूज करके क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं, बस इतना ही करना है आपको। तो फार्मूला तो हो गया, वैल्यू पुट कीजिए अभी इसका, MN की वैल्यू देखिए कितनी है, MN 5, NP 7, 5/7, MQ इज हाउ मच 2.5, और QP
तो सर फाइंड आउट करना है क्यूपी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, क्यूपी फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो अब क्या करेंगे आप सर, अब इसके बाद तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यस बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? बिकॉज वी विल हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ क्यूपी। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2.5 डिवाइड बाय 5, क्लियर। Therefore, QP. तो आपको 5 का टेबल आता होगा, क्लियर। कभी 2.5 का टेबल पढ़ा है? पढ़ लीजिए आज। 2.5 टू जा 5, कैसे? 2.5 5 रुपीस। अब 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 7 रुपीस का हाफ कितना होता है? 0.5। Yeah. तो ये आपका आंसर हो गया। आपने देखा यहाँ पे इन्होंने सेंटीमीटर नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। वी विल ऑल्सो नॉट बी राइटिंग एनीथिंग, बस आंसर को हाईलाइट कर दीजिए, बॉक्स में रख दीजिए, ताकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। क्लियर, ये सब हो गया सॉल्व। तो बच्चों, आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए।